हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज बच्चों। और आज की जो वीडियो है उसमें करेंगे कार्यपत्रक 5 फोर क्लास 6 विषय गणित है। और ये कार्यपत्रक आपके लिए 19 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों वो बहुत ही आसान है, क्योंकि उसमें हम जमा करने के बारे में सीखेंगे। आपने प्रीवियस क्लासेस में जमा करने के बारे में जो है सीखा हुआ है, तो ये वर्कशीट आपके लिए बहुत ईजी है। संख्याओं की जानकारी। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे जो रेड बटन है उसको जो है ब्लैक कर दीजिए, ताकि आपको सारी जो वीडियोस हैं वो समय से मिलती रहें, ठीक है। शिखाने खाने के लिए 1 सेब 3 केले 4 लीची और 7 स्ट्रॉबेरी ली, उसने कुल मिलाकर कितने फलों का चुनाव किया। तो देखिए, 1 सेब है 3 केले हैं 4 जो है लीची हैं और 7 स्ट्रॉबेरी हैं, तो आपको क्या करेंगे, आप इनको जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया, 7 और 3 10 और 11 और 4 15। तो टोटल कितना हो गया बेटा, ये हो गया 15। टोटल फ्रूट कितने हो गए, 15। उसके बाद देखिए ये क्या कहलाता है, जमा करना कहलाता है। अब जमा क्या है, जमा का मतलब होता है एक साथ रखना, ठीक है, या कुल मिलाकर, या कुल कितने हैं, कुल क्या है, जोड़ क्या है, आगे की गिनती, ये सब क्या होते हैं, ये सब जमा होता है। यानी चीजों को आपने एक साथ रख दिया, जैसे देखिए ये फल थे तो आपने एक साथ रख दिया तो ये जमा हो गए। कुल मिलाकर, यानी कुल मिलाकर कितने हैं तो भी जमा कहलाएगा। कुल कितने हैं ये सारे फ्रूट, तो भी जमा है। कुल जहां शब्द लग गया वो भी जमा होगा। जोड़ तो का मतलब तो होता ही जमा है। आगे की गिनती, यानी एक में अगर आप आगे की गिनती जो है एक और जोड़ते हो तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऐसे भी ये क्या होगा, जमा हो जाएगा। समस्या समाधान के कदम। सबसे पहले क्या है कि जब हम इस तरह समस्या की का समाधान करते हैं, जैसे आपको इस तरह के प्रश्न दिए हुए होते हैं, एक गांव में इतने पुरुष इतनी महिलाएं इतने बच्चे हैं, तो कुल जनसंख्या ज्ञात करनी है। तो कुल करनी है तो मतलब क्या है, तीनों को जोड़ देना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, समस्या समाधान के कदम कैसे देखेंगे हम। सबसे पहला है समस्या की पहचान करना, कि समस्या क्या है उसकी पहचान करना सबसे पहला काम होता है। समझें कि पूछा का क्या गया है। महत्वपूर्ण संख्याओं पर घेरा लगाइए, जैसे इस तरह से क्या लगाएंगे, घेरा। खोज शब्दों को रेखांकित करें, खोज का मतलब क्या है कि हमें जो है निकालना क्या है। विश्लेषण करें, समाधान करें और उत्तर प्रस्तुत करें। तो अब देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, 3,246 में 1,520 आपको जोड़ देना है। तो बेटा हम ऐसे लिखेंगे और 6, और देखिए ये 4 है ये 2 है, कितने हो गए, 4 और 2 में 6 जोड़ 4 में 2 जोड़ोगे तो 6 हो गया, 2 में 5 जोड़ोगे 7 हो गया, 3 में 1 जोड़ोगे 4 हो गया। बहुत आसान है, आपकी बुक में जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भी दिए हुए होंगे, वो आप जरूर करना, ठीक है बेटा। थोड़ी डिस्टरबेंस हो सकती है क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है ना, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस जो है वीडियोस में हो सकती है। आप देखिए ये प्रश्न करेंगे, एक गांव में 3,562 पुरुष, कितने पुरुष हैं, 3,562, महिलाएं जो है कितनी हैं, 3,420, बच्चे कितने हैं, 1,430। गांव की कुल जनसंख्या ज्ञात करनी है आपको, तो गांव की कुल जनसंख्या कैसे निकालेंगे, इन सबको क्या कर देंगे, इन सबको हम ऐसे जोड़ देंगे। हमने लिखा पुरुषों की कुल संख्या इतनी, महिलाओं की कुल संख्या हमने लिखा इतनी, बच्चों की कुल संख्या हमने लिख दिया, कुल जनसंख्या क्या करेंगे हम जोड़ देंगे। तो इकाई वाले अंकों को जोड़ेंगे, पहले 2 हो गया, फिर दहाई वाले 6 और 2 8 और 3 11, 1 नीचे और 1 जो है यहाँ पे हासिल चला गया। अब देखिए 5 में 4 जोड़िए 9 9 में 1 जोड़ दीजिए 10 और 4 14 14 का 4 यहाँ आ गया, 1 हासिल यहाँ चला गया, 3 और 3 6 7 और 1 8, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया 8,412। कुल जनसंख्या कितनी है, 8,412। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, आओ कोशिश करें। तो इनको हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। यहीं पे करूंगी, आप यहाँ से लिख लेंगे बेटा 541 और इसमें आपको जोड़ देना है 654, तो कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 5 और 4 हो जाएगा 9 6 और 5 हो जाएगा 11। तो ये आपका उत्तर आ गया पहले का। दूसरा प्रश्न है 8,541 में जोड़ना है 5,487, ये जोड़ देना है। तो देखिए 7 और 1 8 8 और 4 कितना होते बेटे, 12, 1 हासिल चला गया, 5 और 4 9 और 1 10, 1 हासिल,
आठ और एक नौ, और नौ और पांच कितने होते हैं, नौ और पांच होते हैं 14, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 14,028, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न दो दिया गया है जो कि क्या है, समस्या दी गई है, एक आदमी ने एक पेड़ से 435 आम, दूसरे पेड़ से 450 आम, तीसरे पेड़ से 295 आम तोड़े, तोड़े गए आमों की कुल संख्या बताइए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर देंगे, एक मिनट बेटा। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए पहला पॉइंट यहाँ से लिखेंगे हम हल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले पेड़ से तोड़े गए आम, पहले पेड़ से तोड़े गए आम, ऐसे लिख देंगे आप, तोड़े गए आम तो कितने हैं, 435, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरे पेड़ से तोड़े गए आम, तो बेटा ऐसे ऐसे आप लगा के दूसरे पेड़ से तोड़े गए आम कितने हो जाएंगे, 450। तीसरे पेड़ से फिर उसके बाद लिख देंगे तीसरे पेड़ से तोड़े गए आम कितने हैं, 295। अब आपको क्या करना है, इनका जो है टोटल कर देना है। टोटल मैं यहाँ पे कर रही हूँ, वहां जगह नहीं बची है, 435, 450 और 295। तो अब इनका टोटल कर देंगे, पांच और पांच कितने हो गए, 10, एक हासिल चला गया, ठीक है। तो ये कितने हो गए, तीन और एक चार, चार में पांच जोड़ो कितने हो गए, नौ, नौ और नौ 18, एक हासिल चला गया, चार और चार आठ और एक नौ, 10 और 11, तो 1180 आम। टोटल आंसर कितना आ गया बेटे, 1180 आम। ये जो है आपका सेकंड क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। सो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप स्टूडेंट्स आपको बेटा वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।